गाइस नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज सैटरडे है और आज अभी आफ्टरनून के 2 बजे है। मैंने सुबह में काम उतारा, आज आंटी आए थे फाइनली, क्यों तो बर्तन कम थे और किचन भी मेरा एकदम से क्लीन पड़ा था, कल मैंने अच्छे से साफ कर दिया था, तो आज आंटी आ गए। काट साट के मुझे ही करना होता है, जिस दिन बर्तन ज्यादा हो उस दिन मुझे करना है, तो ये प्रूव हो जाता है, हर बार ही ऐसा होता है। तो आंटी आ गए थे तो आज मैंने अच्छे से घर की सफाई कर ली, क्यों तो फिर कल मैंने ऐसे आधे में रूम का बेडरूम का मैंने फर्नीचर छोड़ दिया था और अपना वॉश बेसिन मैंने वॉश नहीं की थी, क्लीन नहीं की थी, और जो क्लोथ पड़े थे मैंने फोल्ड किए थे वो वहीं पे पड़े थे। तो आज सुबह में जो कल वाले क्लोथ है, परसों वाले क्लोथ है, जो फोल्ड कल वाले भी फोल्ड करके फिर मैंने वो वार्डरोब में रखे सुबह में, और ये बेडशीट दोनों की उतार दी। पहले मैंने मैट्रेसेस डस्ट कर लिए, मैं बोली बाद में बिछाती हूँ, क्यों तो आंटी के टाइम तक मैं वॉश बेसन भी धो लूँ, फिर पोछा हो जाएगा, उसके बाद नीचे से फिर वापस पानी पानी हो जाता है। तो घर की अच्छे से मैंने सफाई कर दी और पहले पहले मैंने खाना बना के फिर अभी नहीं हूँ, पहले मैंने आज खाना बना दिया 1 बजे, क्यों तो फिर मुझे आज जाना है काम से, तो मुझे इसके लिए पहले खाना बनाना पड़ा। मैंने खाना बनाया फिर उसके बाद शावर लिया, तो अभी मैं पहले बेडशीट बिछाती हूँ। अभी भी आ जाएंगे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेडशीट दोनों रूम की बिछानी है, मैंने दोनों रूम की उतार दी है, आज चेंज कर दी है, तो फिर अभी भी आ जाएंगे, 2 बजे हैं, तो इनको भी बोलती हूँ 5-10 मिनट में आ जाओ आप, जब तक मैं बेडशीट बिछाऊंगी जब तक आ जाएंगे, फिर खाना खा के फिर फ्री होके बैठती हूँ मैं।
अभी भी अभी खाना खा के गए, और जब तक हॉल की मैं बेडशीट बिछाई रही थी तो आ गए थे अभी, जल्दी जल्दी से बिछाई भागी हूँ दोनों रूम के, एक साथ ही चेंज करती हूँ, मुझे एक साथ ही अच्छा लगता है दोनों रूम में बिछाऊँ तो धुली हुई बिछाऊँ और मशीन में भी एक साथ ही जाए धोने में, क्यों तो स्पिटिंग मशीन है तो फटाफट से हो जाती है, एक साथ ही तो एक ही साथ दोनों रूम चमके वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बहुत थक गई हूँ क्यों तो पहले से ही कल से मुझे पेन था पैरों में, तो काजल आज बोले ही मम्मी आज नहीं चेंज करो कल चेंज करना, मैंने बोला नहीं ज़्यादा दिन हो गए बेडशीट को, और मैंने पिल्लो कवर भी जल्दी जल्दी में चेंज लगा दिए थे अलग, मुझे मैच अच्छे लगते ऐसे अच्छे नहीं लगते घर में, सबके साथ मैं बेडशीट लेती वो हूँ जिसके साथ मैच पिल्लो हो, नहीं तो मैं वैसे लूंगी ही नहीं, बेडशीट मुझे अच्छी चाहिए हर ईयर एवरी ईयर मैं लेती हूँ दिवाली में, तो इनको बोलती हूँ ऐसी लेके दो जिसमें पिल्लो कवर मैच हो, तो मैच ही मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा करके, तो मैं मैच ही बिछाऊँ मुझे घर ऐसे अच्छा लगता है। थकावट बहुत थी पहले से ही, कल पेन था और फिर आज काम भी बढ़ गया क्यों तो घर छोड़ नहीं सकी, कल भी मैंने ऐसे ही काम उतारा था फटाफट में, तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मेरे मन को शांति नहीं मिलती अगर मैंने घर अच्छे से नहीं किया ना सुबह में साफ, तो नहीं अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ नहीं रह जाए जो भी घर की चीज़ है वो सुबह में साफ हो, मैं ऐसे बोलती हूँ पोछे के पहले, क्यों तो फिर बाद में और जो ऊपर की सफाई है जो है अपना फैन हुआ या जाला उतारना हुआ वो भी मैं कितने दिन से बोल रही थी, लेकिन नहीं अभी कल ही मैंने पेन किलर ली है, इतना थक गई थी रात को भी हाथ पैर मैंने दुख रहे थे, सुबह में उठी तो अभी ने पूछा नाश्ता बनाएगी नहीं बनाएगी, तो नहीं बना भाई, तबीयत ठीक नहीं हो तो तू ठीक है कि नहीं आज, नहीं तो फिर मैं बाहर से लेके आऊँ, मैंने बोला नहीं रात को भी बाहर से लेके आया, अभी सुबह में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, मुझे रात को मैंने पेन किलर ली थी तो मुझे फायदा पड़ गया था, तो थोड़ी थकावट है वो उतर जाएगी, तो अभी भी सुबह में भी ज़्यादा काम किया है थकावट है थोड़ी, मुझे थक रही हूँ बेडशीट भी मैं धीरे धीरे बिछा रही हूँ, तो आज कढ़ी चावल बनाए मैं इसके लिए जल्दी ही बना लिया मैंने, तो कढ़ी राइस ही बनाए, ये बूंदी भी साथ में लेके आए मीठी बूंदी, हम सिंधी कढ़ी राइस के साथ मीठी बूंदी अच्छे से खाते हैं, पर ये खाने बैठते हैं उनके फ़ोन आते ही आते हैं, क्यों तो शॉप पे हेल्पर है वो भी उनको फ़ोन करता रहता है कुछ चाहिए तो पूछने के लिए ये बोलते रहते हैं, और कैमरा लगी है शॉप पे उसमें से देखते हैं भाई कुछ चाहिए तो वो फ़ोन करता रहता है, तो इनके खाने के टाइम पे भी फ़ोन आ रहे थे चैन से खा नहीं पा रहे थे, फिर ये निकले अभी तो मुझे भी आज जाना है, हमारे रिलेटिव्स में किसी ने सुखमनी का पाठ रखा है तो आज काजल और मैं वहीं पे जाएंगे, क्यों तो काजल को बोला मैंने चल हमारे घर के बाजू में ही है 5-10 मिनट का ही रास्ता है, तो फिर सीढ़ियाँ भी है वहाँ पे तो मुझे हाथ कौन देगा, तो काजल और ये हाथ देते हैं अभी, तो किधर भाई उनको संभाल सीढ़ी हो तो ये दोनों ही संभाल सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में, तो ये काजल को बोला मैं चलना मेरे साथ मैं कैसे चढ़ पाऊंगी, तो मुझे सुखमनी पे जाना है अभी 3:30 बजे है 5:30 बजे जाना है मुझे, मैंने टेबलेट भी ले लिए खाना भी हो गया घर का काम भी सब हो गया, अटेंसेस लगाने हैं वो इवनिंग में उठ के आके लगाऊंगी, मैं उठ के चाय पी के सीधा मैं सुखमनी पे जाऊंगी आज, तो जाना है सुखमनी पे, तो फिर 5:30 बजे निकलना है, अभी 3:30 बजे है अभी मैं सो जाऊं, नहाया तो है मैंने इसके लिए नहा के आज मैंने नाइटी पहन ली नाइट सूटी पहन लिया आज मैं ड्रेस नहीं पहनी कि, तो फिर मैं उठ के सीधा अभी ड्रेस पहन के मैं सो जाती थी ना वो उसकी प्रेस बिगड़ जाती थी ड्रेस की, फिर वो पहनूं वही फिर सोने में पसीना आए या क्या वही प्रेस निकल जाए वही फिर पहन के किसी के घर पे जाओ फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर मैंने आज नाइट सूट ही पहना ना आके, मैंने कुछ लिपस्टिक भी नहीं लगाई आज, वैसे भी क्रीम तो अभी मैं लगाती नहीं हूँ फेस पे डेली, वैसे पहले पहले मैं लगा रही थी क्योंकि मुझे ऐसे फेस लगता था डार्क सर्कल बहुत है, लेकिन अभी बहुत मेरी स्किन में इंप्रूवमेंट आ गया है, स्किन शाइन कर रही है और डार्क सर्कल कम हो रहा है तो अच्छी हो रही है अभी स्किन, अभी कितने टाइम से मैंने बहुत टाइम हो गया अभी मैं वीडियोस में अपना कोई क्रीम भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ फेस पे, कहीं जाती हूँ तो फेस पे अप्लाई करूंगी क्रीम नहीं तो नहीं, लेकिन आज भी मैं क्रीम फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी ओनली लिपस्टिक लगा के जाऊंगी, बाहर भी यहाँ तक इनके साथ भी जा रही हूँ ना तो मैं क्रीम नहीं लगा रही हूँ फेस पे, ओनली लिपस्टिक लगा के सीधा जा रही हूँ, ओनली बाल बनाया अच्छे कपड़े पहने लिपस्टिक लगाई बस हो गया, तो आज भी मैं ड्रेस पहनूंगी अच्छी वाली ड्रेस पहन के नींद में से उठ के तैयार होंगी ड्रेस पहनूंगी ओनली लिपस्टिक लगाऊंगी और बाल अच्छे से बना के जाऊंगी, मैं ज़्यादा क्रीम वगैरह फेस पे नहीं यूज़ करूंगी कि अभी अभी मेरा फेस ठीक हुआ है तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं मुझे जरूरी क्रीम लगानी पड़े, पहले तो ऐसा हो गया था थोड़ा आगे भी जाती थी ना कहीं भी घूमने तो भी मैं क्रीम लगा रही थी, नहीं मेरा फेस में डार्क सर्कल इतने मुझे अच्छे नहीं लगते थे खुद को अच्छा नहीं लगता था फेस दिखने में, लेकिन अभी वो डार्क सर्कल ज़्यादा करके कम हो गए मेरे, तो
अभी नहीं लगाती हूँ क्रीम, अभी ऐसे ही फेस को रखना है, ओनली लिपस्टिक, लिपस्टिक में कुछ भी नहीं है। घर में भी लिपस्टिक में लगा के बैठी हूँ, और लिपस्टिक तो मेरी पहले से शुरू से ही आदत है, घर में बैठती थी तो भी कितने टाइम से ही मुझे आदत है। कभी कभी मन होता है, मैं डेली तो नहीं लगाती थी, लेकिन कभी कभी मन होता है तो लिपस्टिक घर में लगा के मैं बैठती ही हूँ, वो मेरी, इनको भी आदत पता है, पहले से ही आदत है मेरी। तो अभी ओनली लिपस्टिक लगा के जाऊंगी मैं, और अभी भी खाली कितने दिन से मैं लिपस्टिक ही लगा रही हूँ और कुछ नहीं। तो अभी इसके लिए मैंने नाइट सूट पहना, मैं बोली वो ड्रेस मेरी पूरी खराब हो जाएगी प्रेस उसकी, तो सीधा उठ के तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि तो नया तो है, नया है मैंने, बस मुझे खाली मुंह मुंह धो के अपना चाय पी के फिर ड्रेस पहन के लिपस्टिक लगा के फटाफट से निकल जाऊंगी। थोड़ा नींद करूं, अभी भी मुझे नींद आ रही है, टेबलेट्स ली है, जो आफ्टरनून की टेबलेट है मेरी खाना खाने के बाद, एक हेमोग्लोबिन की टेबलेट है और एक ताकत की टेबलेट है, आफ्टरनून में दो टेबलेट है। तो जो ये दो टेबलेट मैं ले रही हूँ ना, इससे मुझे नींद ज्यादा आ रही है, आंखें ऐसे नींद में भर के आ रही है, और नींद में से भी उठ रही हूँ ना तो मेरी आंखें ऐसे लग रही है जैसे मैं ज्यादा सोई हूँ, ज्यादा गहरी नींद में सो रही हूँ। तो आफ्टरनून में ऐसा हो रहा है, टेबलेट लेने के बाद ही मुझे नींद आ रही है। फिर अभी मैं आराम करूंगी, अगर मैं नहीं सोई ना तो मैं वहां पे नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि तो पहले ही मुझे टेबलेट की वजह से नींद ज्यादा आ रही है, तो मैं वहां पे अगर नहीं सो के गई तो वहां पे सुखमनी पे मैं बैठ नहीं पाऊंगी, तो पाठ है वहां पे जाना जरूरी है। तो फिर काजल को भी मैंने बोला है, काजल अभी वीडियो सेट कर रही है कल का जो मैंने बनाया है, कल का तो छोटा ही वीडियो बनाया था मैंने, क्योंकि तो मेरी हेल्थ का इशू हो गया था, काम करके ठीक नहीं थी मैं, कल हालत बहुत खराब थी, तो काजल ने वो छोटा ही वीडियो है अभी वो बना रही है, बोलती है पोस्ट करूंगी, पोस्ट करके काजल को बोला मैंने तू जल्दी रेडी हो जाना, जब तक मैं सो रही हूँ, एक घंटा ही मैं 3:30 हुए, 4:30 बजे उठ के अपना 5:30 बजे निकलना है, 4:30 बजे उठ के मैं चाय पी के फटाफट से तैयार होंगी, इसको बोला काजल को तू फटाफट से रेडी होके बैठ जा, वीडियो पोस्ट करके अपना रेडी होना शुरू कर दे, जब तक मैं नींद कर लूँ एक घंटा, फिर तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी, मुझे तो वैसे भी आदत पड़ गई है। ये टेबलेट अभी न्यू जो हेमोग्लोबिन की स्टार्ट की है डॉक्टर ने, जो पहले मेरा हेमोग्लोबिन कम हो गया था उसकी वजह से अभी ये टेबलेट से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नींद बहुत आ रही है, बता नहीं क्यों। आफ्टरनून में वैसे इतना नहीं होता है मुझे प्रॉब्लम, उठ के भी काजल भी बोले मम्मी उठ के भी वीडियो में भी दिखाई दे रहा है तेरी आंखें ऐसी बिल्कुल ऐसे लग रही है ज़्यादा नींद की है जैसे, तो वो गहरी नींद आ रही है, आंखें सूज रही है नींद में से उठ रही हूँ। तो अभी मैं सो रही हूँ, 4:30 बजे जैसे उठूंगी फिर आपसे मिलती हूँ 4:30 बजे चाय पीने के टाइम। तो गाइस अभी मैं नींद में से उठी हूँ, 4:30 बजे है, जैसे आपको मैंने बताया 3:30 बजे सो रही थी, 4:30 बजे उठूंगी मैं, तो मेरी नींद हो गई है, अभी चाय पी के अभी रेडी होएंगे काजल और मैं, तो फटाफट से मैं अभी ड्रेस चेंज करके रेडी हो जाऊंगी जाने के लिए। तो पहले चाय पी लेती हूँ, अभी उठी हूँ नींद से तो आराम हो गया, अच्छा हो गया, मैं थोड़ी देर सो गई, वैसे मैंने सोचा था 2 बजे काम उतार के जल्दी से 2 बजे सो जाऊँ थोड़ा, तो 3:30 बजे तक नींद करूँ, थोड़ा 3:30 पौने 4 तक नींद मेरी जैसे अच्छी हो, क्योंकि तो कल से थकी हुई हूँ, बट नहीं हुई मेरी नींद, क्योंकि तो 2 बजे तक खाना भी बनाया था बट बेडशीट बिछानी थी और फिर खाना खाओ टेबलेट लो तो उसमें ही टाइम हो जाता है, तभी भी 3:30 मेरे हो गए, खाना 2 बजे तैयार है उसके बाद भी 3:30 मेरे हो गए, तो भी 1 घंटा तो नींद की, तो अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा चेंज, तो आराम हुआ तो बैठ सकूंगी अभी, नहीं तो ऐसे लग रहा था आफ्टरनून में ज़्यादा ही नींद आ रही थी तो बात भी नहीं कर पा रही थी, अभी मैं नींद नहीं होती थी तो वहाँ पे बात ही नहीं कर पाती थी, अभी थोड़ा चाय पीती हूँ फटाफट से फिर रेडी होती हूँ। काजल और मैं रेडी हो गए, अभी निकलने की तैयारी है, बस अभी रेडी होके जा रहे हैं अभी। तो गाइस अभी 9:45 बजे हैं और हम लोगों ने तो खाना खा लिया था वहाँ पे ही,
काजल और मैंने, तो अभी हबी के लिए, बाकी हबी बोल रहे थे मैं अपने लिए कुछ लेके आता हूँ, तो मैंने बोला आप लेके मत आओ बाहर से, क्या खाना है आपको, तो बोल रहे थे मैं देखता हूँ अपने लिए लेके आऊँ कुछ भी, तो घर में नहीं बना। फिर मैंने बोला तो फिर अभी मैंने हबी को बोला आप ऑमलेट खाओ, आपको ऑमलेट बना के देती हूँ, हम लोगों ने तो खाया है खाना, हम दोनों कुछ नहीं खाएंगे, आप ऑमलेट खाओ। तो बोले मैं ऑमलेट के साथ पाव खाऊंगा, बोला लेके आओ, तो ऑमलेट लेके आए और पाव लेके आए, तो अभी हबी को मैं बना के दे रही हूँ ऑमलेट और पाव। तो अभी ओनियन और धनिया काटा है मैंने, बाकी बस दो अंडे का एक ऑमलेट बनाऊंगी। गाइस आज शेफ बने हैं मेरे हबी, इन्होंने बोला मिक्स मैं करूंगा ऑमलेट का मिक्सचर, मैंने मिक्स किया अभी दोबारा मिक्स कर रहे हैं। बस गाइस हबी को आज जल्दी खाना दिया मैंने, 9:45 बजे इन्होंने ऑमलेट और पाव खाया भी, उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, फ्री होके बैठी क्यों तो इतनी देर पहनी थी ड्रेस, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था, पैंट थोड़ी टाइट हो गई है, तो इसके लिए काजल को बोला, पहले तो मैं चेंज करने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं हबी को भूख लगी, इन्होंने सुना कि ऑमलेट बना रही है तो बोले पहले मेरे को दे मैं खाऊं बाद में तू चेंज करना, तो पहले इनको ऑमलेट बना के दिया बाद में चेंज किया। मुझे चाय या कॉफ़ी पीनी थी, आज कॉफ़ी पीने का मन था, मैंने सोचा था वहाँ पे काजल को बोला सत्संग पूरा हो जाए तो हम चल के घर पे कॉफ़ी पीते, वैसे इवनिंग में मैं नाश्ता खा के चाय पीती हूँ, तो आज तो इवनिंग में नाश्ता खाया नहीं, जल्दी 5:45 बजे ही हम निकल गए, तो वहाँ पे ही थे, तो बोला काजल को आज चाय नहीं पिए, इवनिंग को जो नींद में से उठ के चाय पी के निकली हूँ उसके बाद चाय नहीं पिए, वहाँ पे चाय बनाई थी उन लोगों ने, चाय थी ठंडा था, लेकिन यहाँ से पी निकली तो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे मैंने बोला आके हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, बट कॉफ़ी भी नहीं पी क्यों तो टाइम 9:45 बज गए, अभी इसके बाद मैं कॉफ़ी पीती थी ना तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी, क्यों तो इतना टाइम हो जाता है ना 8 बजे के बाद, फिर चाय या कॉफ़ी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ लेना, क्यों तो फिर रात को नींद नहीं आती है कितनी कितनी देर, और फिर सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ, कल भी काजल से मैं बात करके करके रात के 2:45 बजे आके रूम में सोई हूँ, तो 2:45 बज गए मेरे, बातों में उसके साथ बैठी हूँ बातें कर रही हूँ, फिर टीवी चला के बैठी थी प्रोग्राम देख रही थी तो लेट आके सोई थी, फिर सुबह मैं थोड़ा उठ नहीं पा रही थी, 9:30-9:30 बजे हबी ने उठाया, कि हम लोगों ने तो वहाँ से खाना खा के आए, बहुत ही अच्छा खाना था वहाँ का, बढ़िया बहुत अच्छा बनाया था उन लोगों ने खाना, और सत्संग भी सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्यों तो कितने दिन के बाद लॉकडाउन के बाद गए सत्संग सुनने गए, उनके बेटे हैं जो हमारे रिलेटिव हैं जिनके पास गए थे, उनके बेटे बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, और सत्संग में भजन गाते भजन गा रहे थे, तो वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही भजन ऐसे थे दिल को छू लेने वाले थे भजन, तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छे लगे, क्यों तो सुनो भजन कभी कभी ऐसे सुनते हम तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, तो वैसे मुझे बहुत अच्छे लगे सुनने में, और अच्छा लगा सब वहाँ पे जाके मुझे, क्यों तो अभी इतने टाइम से हम लोग घर में कहीं आ जा नहीं रहे, कुछ फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहे, इतने फंक्शन कोई कर नहीं रहे, तो आज क्या था हम लोगों ने सुखमनी का पाठ करवाया और भजन गाए, तो बहुत ही अच्छा लगा था, कितने दिनों के बाद गई हूँ ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा चेंज हो गई आज मैं वहाँ से,
और मुझे सीरी का टेंशन था, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी काजल को, काजल को लेके चली, क्योंकि तो ये दोनों ही संभाल पाते हैं, मुझे कोई नहीं संभाल पाता है। काजल और अभी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है ना, तो ये दोनों ही हाथ देते हैं, क्योंकि तो उनको पता है किस तरह से मुझे हाथ देना है, किस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ानी है इसको, या उतारना है सीढ़ियों से, इन दोनों को पता है। लेकिन उनकी सीढ़ियाँ भी तो छोटी छोटी थी, बिल्कुल भी काजल का एक ही हाथ पकड़ के मैं चढ़ पाई, मुझे दोनों ज़्यादा बड़ी सीढ़ियाँ होती है ना, तो दोनों का काजल और हबी का दो दो हाथ, दोनों हाथ पकड़ के, तो दोनों हाथ से मैं पकड़ के चढ़ती हूँ। लेकिन इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, काजल का हाथ एक ही पकड़ा था, वो भी मैंने स्लाइट पकड़ा था हाथ, इतना भी नहीं पकड़ा था जोर से जो मुझे इतना सपोर्ट चाहिए तो मैं वो चढ़ पाऊँ। तो सीढ़ियाँ इतनी छोटी छोटी थी बहुत, तो फटाफट से मैं चढ़ पा रही थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे लगा मैं गई ही नहीं हूँ, ऐसे ही हूँ चढ़ के उतर के भी आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा खुश भी होके आई, बहुत अच्छा भी लगा मुझे, तो फिर फ्री भी हो गया। आज दिन थोड़ा चेंज लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे आज। फिर अभी मैं बैठी हूँ, क्यों तो अभी तो कुछ काम नहीं है, खाली अटेंसेस मुझे लगाने, मैंने लगा के नहीं गई, मैंने बोला इवनिंग में आके, वहाँ से मुझे पता नहीं था मैं वहाँ पे लेट हो जाएगी, उन लोगों ने खाना भी मंगाया था सबके लिए, पता नहीं था मुझे, मुझे लगा तो मैं 7-8 बजे तक आ जाऊँगी, तो घर आके फिर खाना बनाने के टाइम पे मैं अटेंसेस लगा के फिर खाना बनाऊँगी, बट मुझे कुछ पता नहीं था, तो उधर तो टाइम हो गया। तो अभी मैंने बिग बॉस भी देखा, आज तो सैटरडे था, 9 बजे बिग बॉस चालू हुआ था, तो थोड़ा पहले देखा स्टार्टिंग, फिर थोड़ी अभी मैंने देखी, मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी भी इंतजार करती है, वो भी शाम में, शाम को इवनिंग में बात करती है, तो उसका भी फ़ोन उधर आया था, वो मम्मी को बोला मैंने, मैं पहुँच के वहाँ पर फिर बात करती हूँ आपसे, फिर अभी मम्मी से भी बात की मैंने, मम्मी को बोला मैंने लेट आई हूँ, तो करके मम्मी से भी बात कर दी, वो भी इंतजार करती है, शाम को फ़ोन करती है, सुबह में भी करते, इवनिंग में भी करते, तो मैंने अभी उनसे भी बात कर दी, कपड़े भी चेंज कर दिए, फ्री होके एकदम बैठी हूँ, और मैं आई हूँ तो आज ये जल्दी आ गए, आज मैं आई तो घर पे ये आ गए थे, बोले भाई काम नहीं था इतना, तो मैं निकल आया घर पे, तो ये बैठे ही थे, आ चुके थे, मैं फ़ोन पे बाहर पूछ रहे मुझसे तू किधर है, मैंने बोला हाँ घर पे मैं पहुंची हूँ, तो काजल बोले थी मम्मी, काजल को बच्चे इतने एक्सपर्ट है, क्या बात कर रही, बच्चों की बहुत ही एक्सपर्ट है बच्चे, बोले मम्मी पापा तो नीचे, पापा घर में बैठे, मैंने बोला तुझे कैसे पता, इसको कैसे पता चल जाता है पापा घर में बैठे, बोले मम्मी पापा के नीचे गाड़ी पड़ी थी मैंने देखा, मैंने बोला घंटी बजा, फोन पे बोली चलो दरवाजा खोलो, घंटी बजाती हूँ आज, वैसे हमेशा मैं दरवाजा खोलती हूँ, आज आप दरवाजा खोलो, फिर दरवाजा खोलो खोलो बोला मैंने, इन्होंने खोला आज दरवाजा, वैसे हमेशा से मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप आते हो हमेशा से बाहर, आज का दिन आप खोलो दरवाजा, मैंने फोन पे बोला, मैं ऐसे ही चाबी तो थी मुझे की दरवाजे की, हम लोग लेके गए थे काजल और मैं, लेकिन मुझे खोलना नहीं था की से, मैंने बोला आप बैठे हो तो अभी आप दरवाजा खोलो, मैं घंटी बजा रही हूँ आप खोलो दरवाजा, फिर इन्होंने खोला दरवाजा, हर बार हम खोले या दरवाजा, कभी कभी तो हबी को भी खोलना चाहिए ना दरवाजा, कभी हम बाहर से आए ना, हमेशा ऐसे पति बाहर से आए और बीवी दरवाजा खोले, कभी कभी तो ऐसा होना चाहिए ना, पत्नी आए बाहर से तो पति दरवाजा खोले। हाँ अभी भी मुझे नींद आ रही है, अभी मैं फटाफट से, अभी 11:15 बजे है, सोने की तैयारी कर रही हूँ, जल्दी से टपरे लेके सो रही हूँ आज, फटाफट से थक गई हूँ, नींद आ रही है, तो रेस्ट करूँगी, तो कल उठ के फिर घर का काम अच्छे से कर पाऊँगी, वैसे भी आज फिर वापस से मैं निकली हूँ तो घर में सी हो गया है मेरा, क्यों तो जिस दिन जाओ बाहर आप, तो फिर वो सामान मेरे बाहर रह जाते, जो मैंने हेयर अपने निकाले थे, भिद्दी लगाने के लिए निकाली थी, पूरा वो सामान बाहर रख के गई हूँ, ड्रेसेस बाहर पड़ी रहेगी, अब ये सब सुबह में ही उठाऊंगी, इतनी थकी हुई हूँ, अटेंसेस भी लगा सकी तो ठीक है, नहीं तो काजल को बोल रही हूँ लगाने के लिए, भाई काजल तू लगा लेना, लगा लेती है, अगर मैं, मेरे से नहीं होता है काजल लगा लेती है, सब हेल्प करती है बहुत, दोनों भी एडजस्ट कर लेते हैं बहुत, जैसे ये हबी बोल रहे थे आज मैं बाहर से लेके आऊँ, फिर बोला मैंने मैं घर में ऑमलेट बना रही हूँ, तो रोटी मत बनाना मुझे पाव से अच्छा लगता है, रोटी क्यों नहीं अच्छी लगती है, पाव जानबूझ के बोल रहे थे, मैं थक गई हूँ, वे पाव से भी खाते हैं मन से, लेकिन रोटी से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बोले रोटी नहीं बना मैं पाव लेके आता हूँ, तो दोनों एडजस्ट बहुत करते हैं, हबी भी बहुत एडजस्ट करते हैं हर बात में, बहुत ही ख्याल रखते हैं मेरा दोनों, क्यों तो इन दोनों को ही पता है सब मेरी हेल्थ, ये दोनों ही समझ सकते हैं, इसलिए काजल को मैंने बोला तू चल, मैं सीधी है वहाँ पे चढ़ पाऊंगी कि नहीं, क्यों तो मुझे घबराहट हो रही थी जाने से पहले, भाई मैं जा रही हूँ तो मैं जा सकूंगी कि नहीं, कोई ये दोनों ही संभाल सकते हैं और कोई मुझे नहीं संभाल सकता है, तो ये दोनों पता ही इनको कैसे हाथ देना है, कैसे मम्मी को लेके जाना है, या हबी भी समझ पाते हैं और कोई घर में नहीं समझ पा रहा है, तो ये दोनों ही समझ सकते हैं, वैसे भी हबी मेरा पहले से ही शुरू से ही बहुत उन्होंने मेरी सेवा की है, बहुत ही ख्याल रखा है, जैसे मैंने आपको बताया है,
बस मेरे जिंदगी में दो जने हैं ऐसे, एक मेरे पापा थे और मेरे हबी हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार देके सर पे चढ़ा के रखा है। तो पापा भी थे और हबी भी ऐसे ही है, प्यार देके मुझे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है इन लोगों ने, और काजल भी बहुत ख्याल करती है। तो इतने ही जने हैं मेरी लाइफ में जो मेरा ख्याल करते हैं और मुझे अच्छे से समझते हैं। मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Keep supporting, keep loving. Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Bye bye. Take care. Love you all. Milte hain aapse kal.